किन्नौर जनमंच कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए प्रदर्शनी का खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेंद्र गर्ग ने अवलोकन किया। राजेंद्र गर्ग ने बाल विकास विभाग द्वारा बनाए गए स्थानीय व्यंजन का स्वाद चखा। उन्होंने यहाँ के स्थानीय व्यंजनों की सराहना भी की। जिला किन्नौर के जनमंच कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम रिकांगपियो, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए प्रदर्शनी का खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेंद्र गर्ग ने अवलोकन किया। राजेंद्र गर्ग, प्रदेश वन विकास निगम, उपायुक्त किन्नौर व अन्य अधिकारियों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनाए गए स्थानीय व्यंजन का स्वाद चखा। राजेंद्र गर्ग ने स्थानीय व्यंजनों का चटकारे लेते हुए इन व्यंजनों की सराहना की। वहीं महिला एवं बाल विकास निचार ब्लॉक कोऑर्डिनेटर परविंदर नेगी ने कहा कि मंत्री द्वारा यहां के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखा, जिसके बाद उन्होंने यहां के स्थानीय व्यंजनों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि इस स्थानीय व्यंजनों को खाने से स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। स्टॉल लगाया था जो मंत्री जी को हमने आज यहाँ पे चिलाई की खीर खिलाई है, जो उन्हें बहुत पसंद लगी है, और हमने उनको बिट्ठू की आइटम खिलाया है, उनको बहुत अच्छा लगा है। फिर उनको हमने ये चूल फंटिंग जो हमारा लोकल होता है, मंत्री साहब को भी खिलाया है और डीसी साहब ने बहुत पसंद किया है। उसके बाद दुक्की हमने मंत्री साहब को खिलाया है, और ये हमारा लोकल जो आइटम है जो हमारे किन्नौर का, उसको हम इस पूरे महीने प्रमोट करते हैं। पूरा एक महीना हम लोगों को लोकल खाने की तरफ आकर्षित करते हैं, ताकि जो घर पर ही चीज़ें अवेलेबल हो उससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारा हमारा प्रोग्राम था, और इसके साथ साथ हमारे जो हमारे विभाग के जो स्वयं सहायता समूह है, उन्होंने भी अपनी प्रदर्शनी लगाई थी, जो उन्होंने चीजें तैयार की है, जिसको मंत्री साहब ने बहुत सराहा। किन्नौर से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।